কাল কেও আমি একটা শুনেছি বিহারের গুন্ডা নিয়ে আসছে, ইউপির গুন্ডাদের নিয়ে আসছে মেয়েদের উপর অত্যাচার করার জন্য। মা বোনেরা নিজেদের নিজেদের ভালো করে কেয়ার নেবেন, ওই বহিরাগত গুন্ডাদের বাংলা থেকে দূর করে দিন, বাংলা থেকে উৎখাত করে দিন। এই দু তিন দিন ধরে দেখবেন নানা রকম ঘটনা ওরা ঘটাবে। কাকে গ্রহণ করবেন বলুন? ভোট এসে গেছে, এক তারিখ বেগমকে ভোট দিচ্ছেন না কেউ? বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে, বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है, 1 तारीख को मतदान होगा। आज अमित शाह जी की एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी परिघटना नंदीग्राम में रोड शो के तौर पर हुई। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके चुनाव संचालकों ने, और इसका बहुत अच्छा प्रचार भी किया। राष्ट्रीय मीडिया और स्थानीय मीडिया दोनों में इसकी बहुत अच्छी कवरेज हुई है। इसके पहले ममता बनर्जी जी ने एक लंबा, आप कह सकते हैं उन्होंने भी रोड शो किया था, और उसमें वो, चूंकि आप जानते हैं उनके पैर में चोट लगी हुई है, तो वो एक व्हील चेयर पर थी और उनके साथ हज़ारों लोग चल रहे थे। वो भी बहुत इम्प्रेसिव रोड शो था। तो अब जो लोग नंदीग्राम में इस समय कवरेज में हैं, दिल्ली से गए हैं और राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही रोड शो बहुत ही प्रभावशाली हुए हैं। इसके पहले उनमें से अधिकतर की राय थी कि नंदीग्राम में कम से कम ममता बनर्जी को एज है और शुभेंद्र अधिकारी वहाँ के हैं, स्थानिक हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं तृणमूल के, और उनके परिवार के बहुत से लोग बहुत सारे दूसरे पड़ोसी जिलों में, पड़ोसी क्षेत्रों से लोकसभा और विधानसभा वगैरह में हैं और दूसरे पदों पर हैं, उनके परिवार का बहुत प्रभाव है। ममता बनर्जी जी के बाद उन्हीं का नाम आता था तृणमूल के शीर्ष नेताओं में। और 1 साल पहले तक, या बल्कि कहें 8-9 महीने पहले तक, वो जंगल महल वगैरह की रैली में ललकारा करते थे बीजेपी को, और अब वो ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद वो लड़ेंगे तो, लेकिन ऐसी चुनौती दरपेश न कर पाएं जैसी आज का जो घटनाक्रम है और इसके पहले का जो कुछ दिनों का घटनाक्रम है, उसके बाद उनकी राय में जो फ़र्क आया है लोगों की जो वहाँ हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है। वहाँ संयुक्त मोर्चे की उम्मीदवार एक युवा नेत्री हैं CPM की, वो भी लड़ रही हैं, और CPM का वहाँ बहुत बड़ा आधार रहा है। 6 बार उनके पास उस लोकसभा सीट तुमलुक नाम की, जिसमें नंदीग्राम आता है, सांसद रहे हैं। 4 बार वो तृणमूल के पास रही है। तो लेकिन इधर लगातार 2009 में एक विधानसभा उपचुनाव के बाद नंदीग्राम और इस इलाके में अधिकारी परिवार का, खासकर शुभेंदु अधिकारी का, बहुत दबदबा और असर और नाम रहा है। तो ये चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है दूसरे चरण का, और सबकी निगाहें, सारे देश की निगाहें वहाँ खींच लेने की सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में है ही है, और उसने उसको खींचने में सफलता भी पा ली है। दूसरे चरण की जिन 30 सीटों पर चुनाव होगा, 1 तारीख को मतदान होगा जिस पर, उसमें भाजपा 300 सीट पर लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस भी 300 सीट पर लड़ रही है, जो संयुक्त मोर्चा बना है कांग्रेस और वाम दलों का, और एक और उसमें ISF नाम का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये लोग भी 300 सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन इनके बीच जो बंटवारा है वो कुछ इस तरह से है कि करीब 15 सीट CPM, करीब नहीं 15 सीट CPM लड़ रही है, 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, और बाकी 6 सीटों पर ये सारे लोग हैं, जिसमें से जो फुरफुरा शरीफ वाले पीर के नेतृत्व में IS इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम का एक संस्थान बना है, उसके 2 लोग लड़ रहे हैं। तो 30 में से 2 सीटें वो लड़ रहे हैं, बाकी 28 सीटों पर आप कहें कि संयुक्त मोर्चा का बाकी हिस्सा लड़ रहा है। तो जो वाम दल दूसरे हैं CPM के अलावा, जैसे CPI है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, RSP है, ये 4 सीटें लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। करीब 76 लाख
मतदाता हैं इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में, और पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आगे थी। तो ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा चरण उतना अनुकूल नहीं है जितना प्रथम चरण था, जिसमें वो करीब 20 सीटों पर आगे थी 19 के लोकसभा चुनाव में। और चूंकि इस बार जो भी वहाँ आकलन हो रहा है वो उसके 2019 में 2019 के परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहा है, जिसमें उसको 40% से कुछ ज़्यादा फीसद वोट मिले थे। ये चुनाव बहुत ही अब जिसे आप कहें मुकाबले का हो गया है, कांटे का हो गया है, और ये चरण ऐसा है जिसमें तृणमूल चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बढ़त को कायम रख सके। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिकारी ब्रदर्स पर, इस अधिकारी परिवार पर एक है बंगाल के चुनाव में, और चुनाव के ठीक पहले इनका शामिल होना, फिर इनके परिवार के लोगों का एक एक करके शामिल होना, फिर इनके बनाम ममता बनर्जी के बीच तमाम किस्म का कड़वा संवाद होना, और अभी आखिर में तो बहुत ही इतना ज़्यादा कड़वा हो गया कि इतने वर्षों तक अधिकारी, शुभेंद्र अधिकारी इनके साथ रहे, उनके पिता इनके साथ रहे, उनके भाई लोग इनके साथ रहे, लेकिन अब वो लगातार ममता जी को ममता बेगम कहते हैं, और ममता जी भी उनको मीर जाफर बुलाती हैं, और तृणमूल के बहुत सारे नेता भी उनके बारे में ऐसी कड़वी बातें करते हैं। वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी बहुत कोशिश हो रही है कि ममता बेगम कहने में उसकी ध्वनि आपके सामने है। आज तो भाषण देते हुए शुभेंद्र अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया कि ये वही जो भाजपा के बहुत सारे नेता बहुत जगह बहुत बार कह चुके हैं कि फला पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो ये दांव भी आप कह सकते हैं, अब जो भी अमोघ अस्त्र इसको कह लीजिए, जो भी आप कहिए, ये भी अब प्रचलन में आ चुका है, और इसकी शिकायत भी हुई है चुनाव आयोग से। तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर और दूसरे माध्यमों से शिकायत भी कर दी है इसकी। तो ये एक अब नई ध्रुवीकरण की चर्चा वहाँ हो गई है। वहाँ करीब 30% माइनॉरिटी के यानी मुसलमानों के वोट हैं और 70% के आसपास हिंदू वोट हैं, जिसमें से करीब 15% दलित वोट हैं, जिन पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों बंगाल में अच्छी पकड़ हो गई है। तो अब बड़ा रोचक होगा जब ये मुकाबला वोट पड़ जाएंगे और उसके बाद और वोट भी पड़ जाएंगे, और जब उसकी गिनती होगी तब हम आप बैठ के देखेंगे कि दरअसल होता क्या है। तो फिलहाल तो ये सूचनाएं नंदीग्राम और बंगाल के बारे में। काके ग्रहण करबेन बोलू, वोट एसे गेछे एक तारीख, बेगम के वोट दिच्छेन ना केउ? बेगम के वोट दिले मिनी पाकिस्तान हबे, बेगम के वोट दिले मिनी पाकिस्तान हबे। चुनाव तो वैसे 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ बंगाल की और फिर बंगाल में सिर्फ नंदीग्राम की हो रही है। ये आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सामर्थ्य का प्रतीक है, जो उसका मीडिया पर नियंत्रण है और जिस तरह से वो एजेंडा सेट करने में कामयाब है अनवरत पिछले कई वर्षों से। हम पाते हैं कि रोज़ क्या बात होगी, क्या चर्चा होगी, लोग किस ओर केंद्रित होंगे, टेलीविज़न क्या दिखाएंगे, अखबार में क्या छपेगा, सोशल मीडिया पर क्या दौड़ेगा, किस क्या चीज़ वायरल होगी, ये सब नियंत्रित है। और इसलिए मजबूर है कि हम आप भी यही बात करने को आपसे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वरना तो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, हमें कुछ केरल की भी बात करनी चाहिए, कुछ हमें पुडुचेरी की भी बात करनी चाहिए, तमिलनाडु की भी बात करनी चाहिए, आसाम की भी बात इसलिए ही होती है क्योंकि आसाम में भारतीय जनता पार्टी अपने को एक बार फिर से रिटेन करने की कोशिश कर रही है सत्ता को, तो उसकी बातचीत भी साथ साथ हो जाती है, हालांकि तुलनात्मक रूप में बंगाल के सामने वो कहीं नहीं ठहरता। लेकिन केरल और तमिलनाडु में इतना ही बड़ा चुनाव हो रहा है जितना बड़ा बंगाल में हो रहा है, लेकिन वहाँ की कोई चर्चा नहीं है। केरल की जो मुख्य चर्चाएं हैं वो औसतन सभी लोग ये मान रहे हैं, जैसा कि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल ने कहा, इस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को एज है। अगर ऐसा हुआ, नतीजों में भी ऐसा हुआ, तो ये एक ऐतिहासिक बात इसलिए होगी कि वहाँ कोई सरकार एक बार के बाद दोबारा रिपीट अपने को नहीं कर पाती। एक बार जो सरकार होती है वो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आखिर में जनरेट हो जाती है, और फिर थोड़े से वोट प्रतिशत से वहाँ फेरबदल होता है और वहाँ सत्ता इस फ्रंट या उस फ्रंट के हाथ में चली जाती है, यानी दूसरे फ्रंट के हाथ में चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा वहाँ कहा जा रहा है कि संभवतः लेफ्ट फ्रंट दोबारा अपनी वापसी कर ले। हालांकि जो राहुल गांधी की वहाँ सभाएं हो रही हैं और प्रियंका गांधी भी वहाँ गई हैं, उनके जो रोड शोज वगैरह हुए हैं बहुत ही इम्प्रेसिव हैं,
भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ आज प्रधानमंत्री भी गए, और जैसा कि होता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कोई ना कोई खबर उनके जाने पर वहाँ उभर आती है। उन्होंने आज केरल को सोमालिया के समकक्ष ठहराया, जिसे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई तार्किक उसे कैसे डिफेंड करेगा। केरल देश में मानवीय सूचकांकों में सबसे बेहतर राज्य है। खुद भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के शीर्षस्थ नेता ओ राजगोपाल ने कहा है कि केरल में हमारे सफल न होने की वजह यह है कि वहाँ 90% लोग शिक्षित हैं, और हम जानते ही हैं कि केरल में स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और मानवीय सूचकांकों में जो अन्य चीज़ें होती हैं लोगों के खुश रहने वगैरह से, बच्चों के माल न्यूट्रिशन वगैरह के संबंध में, इवन स्त्रियों वगैरह के अधिकारों के संबंध में, उनके खेल कूद वगैरह में हिस्सा लेने के संबंध में, इन सब संबंध में केरल, और जो प्रति व्यक्ति आय है, इस सब संबंध में केरल का स्तर बहुत ही देश में सर्वोत्तम है, बल्कि कई बार उसे यूरोप के बहुत सारे देशों से उसकी तुलना होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं और वो जहाँ भी जाते हैं चर्चा उनके आसपास होती है, उन्होंने केरल की सोमालिया से तुलना की है। अब देखना होगा कि लोग प्रधानमंत्री जी के इस प्रचार का केरल में क्या उत्तर देते हैं। पिछली विधानसभा में उनके पास एक सदस्य था और केरल के मुख्यमंत्री ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी का खाता केरल में बंद हो जाए। खैर, ये सब हम लोग 2 तारीख को देखेंगे। तो आज दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर इतना ही। चुनाव प्रचार जब ख़त्म हो गया है, और कल आखिरी दिन होता है उसका, एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है, तो अब हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि मतदान किस तरह से होता है। पहले चरण में बहुत ही अच्छा मतदान हुआ बंगाल में, और जैसा वहाँ होता रहा है उसी तरह 80% से ज़्यादा मतदान हुआ था, तो उम्मीद की जानी चाहिए। वैसे गर्मी बहुत है लेकिन वहाँ सुबह और शाम दोनों वक्त काफ़ी भीड़ होती है, और इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें भी पंक्तियाँ 6 बजे के बाद भी बहुत जगहों पर बहुत सी लगी रही थी, और 9-9 बजे तक मतदान वहाँ कंप्लीट हुआ था। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बंगाल की जनता चुनाव में, वैसे पत्रकारों के जाने पर भले मुँह न खोले लेकिन वोट डालने जाती है और अपना वोट डालती है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 तारीख को क्या मतदान होता है, और 2 मई को फिर मतगणना में हम नतीजों की व्याख्या करेंगे आपस में एक दूसरे से मिलके। तो आज इतना ही, फिर से नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।